बड़वानी पहुंची कांग्रेस की आदिवासी स्वाभिमान यात्रा यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव विक्रांत भूरिया बोले, भाजपा के राज में आदिवासी नहीं है सुरक्षित। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश की सभी आरक्षित सीटों पर फोकस कर रही है। गुरुवार देर रात को यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में निकाली जा रही आदिवासी स्वाभिमान यात्रा बड़वानी पहुंची, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने शिवराज सरकार की नाकामियों को जनता के बीच रखा। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन सहित कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने भी प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सिवनी के सिमरिया, सीधी, नेमावर, नीमच और हरदा जिले सहित अन्य जिलों में आदिवासियों के साथ अत्याचार हुए हैं। जिन्होंने अत्याचार किया है वे भी भाजपा संगठन से जुड़े हुए हैं। ऐसे में हम आदिवासियों के स्वाभिमान को जगाने के लिए स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। साथ ही यह भी कहा है कि आदिवासी स्वाभिमान यात्रा केवल यात्रा नहीं है, मध्य प्रदेश में एक क्रांति ला सके हम, ये प्रदेश में एक परिवर्तन का आगाज है। साथ यह सभी कमजोर वर्ग की लड़ाई का आगाज है। उन्होंने कहा कि सीधी का पेशाब कांड केवल आदिवासियों के ही नहीं पूरी मानव समाज के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के राज में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। यूनिट इंडिया न्यूज के लिए बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट। जैसा कि अभी आपने डॉक्टर साहब से सुना, जो हमारे मध्य प्रदेश युवाओं के वो अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के बारे में, उनके उद्देश्य के बारे में आप लोगों को बताया है। तो आदरणीय डॉक्टर साहब है रामू टेकाम जी, चंदा सरवटी जी और उनकी पूरी टीम है। और आज जिस तरह से उन्होंने बताया कि 19 जुलाई से वो सीधी से निकले हैं, लगभग 2200 किलोमीटर की उनको जर्नी करना है। 7 तारीख को, 7 अगस्त को झाबुआ में इसका समापन होना है। तो हम उनका स्वागत करते हैं और उनके स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ कि 18 जिले की 36 विधानसभाओं से निकले, हर विधानसभाओं में कुछ शानदार हजारों की संख्या में जनता जनार्दन ने पहुँच कर उनका जो स्वागत किया है। और हम भी आज इस स्वाभिमान यात्रा का स्वागत करने के लिए ही मंच पर हम लोग पहुँचे हैं। तो जो मकसद और जो उद्देश्य है, जो सोचा नहीं था, उससे बढ़कर सफलता मिलती जा रही है, हमारी उनको बधाई। और ये ऐतिहासिक यात्रा है आदिवासी के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, उनकी सोच और पहचान की रक्षा करने के लिए। जिस तरह से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासी है और पूरे देश में सबसे ज़्यादा आदिवासी भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये हमारी जवाबदारी है इसके खिलाफ पूरी ताकत से इसका विरोध करें। क्योंकि समस्या ये है कि बीजेपी की सरकार में ये जो अपराध आदिवासियों के खिलाफ, ये रुक नहीं रहे और बढ़ते जा रहे हैं, और इनकी जो तीव्रता है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप सबने देखा कि मणिपुर में क्या हुआ, आप सबने देखा सीधी में क्या हुआ, आप सबने देखा सिवनी में क्या हुआ, नेमावर में क्या हुआ, जब 5 एक ही परिवार के आदिवासियों को 3 बहनों के साथ बलात्कार कर उनको जमीन में गाड़ दिया गया था, उसमें इन सब में नाम किसका आता है? भाजपा के लोगों का, भाजपा के नेताओं का नाम आता है। नीमच में भी जब एक आदिवासी को गाड़ी से बांध कर रगड़ कर मार डाला, उसमें भी भाजपा का सरपंच का नाम आता है। तो समस्या ये है, ये समस्या किसी जाति धर्म की नहीं है, ये समस्या बीजेपी की आदिवासी विरोधी मानसिकता की है और उसी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और जैसे ही सीधी कांड हुआ था, हम सब ने निर्णय लिया था कि अब बस बहुत हो गया, और कमलनाथ जी ने निर्देश दिया कि हम सब निकले, हर आदिवासी तक पहुंचे उसके आंसू पोंछने के लिए, उसके घाव भरने के लिए, और सबको बताएं कि किस तरह से ये बीजेपी की सरकार